हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु कैसे हुई। तो दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, आपको सब कुछ बताएंगे। देर ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जब मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया तो पराजित करने के बाद मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को गजने ले गया तथा वहाँ पर उसने पृथ्वीराज चौहान की आंखें फोड़ दी। बाद में पृथ्वीराज चौहान के मित्र और उनके दरबारी कवि चंद्रप्रदाई गजने गए। वहां पर उन्होंने मोहम्मद गौरी को यह बताया कि पृथ्वीराज चौहान की आंखें नहीं है, लेकिन फिर भी पृथ्वीराज चौहान बिना देखे भी लक्ष्य पर निशाना लगा सकते हैं। तब मोहम्मद गौरी इनकी बात की प्रतिभा को देखने के लिए तैयार हो गए। इसके बाद मोहम्मद गौरी एक बड़े सिंहासन पर बैठ गया जो कि कुछ ऊंचाई पर था। अब पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी के सामने लाया गया। पृथ्वीराज चौहान के पास में ही इनके मित्र चंद्रप्रदाई मौजूद थे। हालांकि पृथ्वीराज चौहान की आंखें तो नहीं थी, लेकिन फिर भी वह अपने मित्र चंद्रप्रदाई की आवाज़ को पहचान गए और चंद्रप्रदाई ने कविता के माध्यम से यह बताया कि मोहम्मद गौरी कितनी ऊंचाई पर बैठा हुआ है, ताकि पृथ्वीराज चौहान को यह पता चल सके कि कितनी ऊंचाई पर तीर चलाना है जिससे मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाए। चंद्रप्रदाई ने कविता के माध्यम से कहा, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। इस कविता के माध्यम से चंद्रप्रदाई ने अपने मित्र पृथ्वीराज चौहान को यह संकेत दिया कि मोहम्मद गौरी कितनी ऊंचाई पर बैठा है। मोहम्मद गौरी ने इस बात का अंदाज़ा लगाते हुए इस एक तीर छोड़ा कि जिसके कारण मोहम्मद गौरी मारा गया। इसके बाद चंद्रप्रदाई ने कटार घोप कर पृथ्वीराज चौहान की हत्या कर दी और स्वयं भी आत्महत्या कर ली। तो दोस्तों, हमारे द्वारा बताई गई जानकारी कैसी लगी है? अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम आपके लिए इसी प्रकार से जानकारी से जुड़ी वीडियो लाते रहते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।